नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान सोमवार सुबह तेलंगाना में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। प्लेन मेडक के बाहरी इलाके परिदी रवेली में क्रैश हुआ। आईएएफ के मुताबिक विमान में 2 पायलट मौजूद थे, जिसमें एक ट्रेनर थे जो नए कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे। सोमवार सुबह डिंडीगुल के एयरफोर्स एकेडमी से विमान ने उड़ान भरी और 8:55 पर क्रैश हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्लेन कुछ मिनटों में ही जलकर खाक हो गया। पिछले 8 महीनों में एयरफोर्स का तीसरा प्लेन एक्सीडेंट है। इससे पहले जून में ट्रेनिंग विमान किरण क्रैश हो गया था। वहीं मई में MiG-21 प्लेन क्रैश हो जाने से 3 पायलटों की मौत हो गई थी। 1 जून को भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण ट्रेनर विमान कर्नाटक के चामराजनगर जिले के भोगपुरा गांव में क्रैश हो गया था। जेट में सवार 2 पायलट पैराशूट का उपयोग करके सफलतापूर्वक बाहर निकल गए थे, जिसके बाद आईएएफ ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए थे। इस हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया था। आईएएफ ने बताया था कि विमान ने घटना वाले दिन सुबह बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। इसे पायलट तेजपाल और पायलट भूमिका उड़ा रहे थे। वे रूटीन ट्रेनिंग पर थे। किसी कारण से उन्होंने विमान से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।